नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका एक नए फ्रेश वीडियो में। जी हां, आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया कि हम जाने वाले हैं आज प्रयागराज। प्रयागराज जाने से पहले हम होकर जाएंगे मिर्जापुर से, और मिर्जापुर जाने का कारण क्या है कि मेरे को चुनार जाना है एक लोगों से मिलने के लिए, और मिलने के बाद फिर हम वहां से जाएंगे प्रयागराज। पहले हम आपको बता दूं कि जो रोड बनी है भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत रोड बन चुकी है। भदोही से आगे आपको कंटिन्यू रोड एकदम बढ़िया मिलेगा। गोपीगंज में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, बन रहा है, थोड़ा सा काम चुका, वो भी हमें लगता है कि एक डेढ़ महीने में चालू हो जाएगा। बाकी कंटिन्यू राइड आप कर सकते हैं, क्योंकि रोड एकदम मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास है, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज की ये रोड तो पूरा कंप्लीट हो गया है, बाइक आप स्पीड से चला सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में कभी भी गाय भैंस कुत्ते आ सकते हैं। बात करें डिस्टेंस की तो बनारस से चुनार तक का 27 किलोमीटर है, और मिर्जापुर से प्रयागराज की जो डिस्टेंस है वो है करीब 87 किलोमीटर, और वाराणसी से प्रयागराज का जो डिस्टेंस है वो है करीब 121 किलोमीटर। और देखते हैं कितने समय में हम उसको कवर कर पाते हैं और एंजॉय करते हैं इस पूरे राइड यानी वीडियो को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, और एक लाइक जरूर करना, नए मेहमान आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो न्यू राइड स्टार्ट हो गया, नए लोकेशन के लिए हम लोग निकल चुके हैं, जो कि आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया कि हम जा रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज जा रहे हैं वाया मिर्जापुर होते हुए। और अभी का मैं सीन ये बता देता हूँ, 8:13 हो रहा है और अभी हम कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास में हैं, और यहाँ से हमारी राइड स्टार्ट हो रही है। अभी हम लोग जाएंगे सीधे मिर्जापुर, मिर्जापुर हमें काम है, एक लोग से मिलना है, और हमारे साथ है पवन। न्यू फ्लाईओवर है जो लहरतारा और कैंट को जोड़ते हुए चौका घाट नीचे उतरती है, और यहीं बन रही थी, इस बार उद्घाटन हुआ है इसका, और इस समय सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बगल में देखो ये रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत दिख रही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो राइड को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और बहुत जल्दी पहुंचते हैं। ये है बनारस रेलवे स्टेशन, पहले ये मंडुआडी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन नाम चेंज हो गया, अब बनारस रेलवे स्टेशन होने वाला है, अभी नाम चेंज नहीं हुआ है। अभी ये देखो यहाँ से मिर्जापुर 42 किलोमीटर है, सोनभद्र 59 किलोमीटर, चुनार किला 2 किलोमीटर और चुनार तहसील 100 किलोमीटर। अभी का सीन ये है कि हम लोग कछवा बाजार से होते हुए निकलेंगे प्रयागराज की तरफ। अभी मिर्जापुर से हम लोग कछवा बाजार की तरफ से कटे हैं सीधे कछवा रोड की तरफ, जो कि हाईवे में मिलाता है प्रयागराज और वाराणसी वाले। अभी हम मिर्जापुर से डायरेक्ट वाराणसी इलाहाबाद हाईवे पर, हम यानी प्रयागराज हाईवे पे कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ से इलाहाबाद यानी प्रयागराज 95 किलोमीटर है, और आई यहाँ से 15 किलोमीटर है, कानपुर यहाँ से 303 किलोमीटर है, और आगरा 570 किलोमीटर, और दिल्ली है आपका 770 किलोमीटर। तो फाइनली मेन हाईवे पे आ गए हैं, और हम सीधे जा रहे हैं प्रयागराज की तरफ, और रोड काफ़ी अच्छा बन चुका है, और पेंटिंग डेंटिंग भी अच्छी हो चुकी है, इसके वजह से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यह रोड, और बाइक चलाने में तो और भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले बहुत ख़राब था लेकिन अब बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी और चलने में भी। तो आप बताओ ये सब देखने के बाद कैसा आपको फील हो रहा है? रोड बहुत ही बढ़िया बना है, ये देखो ना कितना बढ़िया बना है, कहीं भी खराबी नहीं है, और कहीं भी काम वम नहीं चल रहा है एकदम। हमें लगता है ये कंटिन्यू प्रयागराज तक कंप्लीट हो चुका है, अब ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले क्या, ये लाइट्स देखो, लाइट्स भी लगी हैं, लाइट्स चारों तरफ लगी हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पहले ये कटने के लिए बहुत सारे ट्रक आते थे जाते थे, दिक्कत होती थी, जाम हुआ करता था, काम लगा था, लेकिन अब पूरा कंप्लीट है, इसके वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और गाड़ी तो भाई साहब, बाइक जो चल रही है ना एकदम पानी की तरह चल रही है, एकदम मस्त, लेकिन आपको ये ज़रूर दिखेगा हर हाईवे पे, ये देखो ये ज़रूर दिखेगा आपको, कहीं भी एक ही नहीं दो तीन दिखेंगे। अभी देखिए कहीं आगे दिखेगा एक और, देखिए बात ही कर रहा था एक और, ये देखो ये भी ज़रूर हाईवे में दिखेगा। तो थोड़ा गाड़ी आप संभल के चलाएं अगर आप इस रोड पे हैं तो,
क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है, और कोई के साथ साथ की मैं बात करूँ तो कभी भी आदमी भी आ सकता है, गाय भैंस भी आ सकती है, कुत्ते भी आ सकते हैं। तो अपने आप को अपने सेफ्टी से जो टोल टैक्स आप देते हैं ना वो 500 मीटर है, और ये न्यू बना है, ये देखो कितना बढ़िया है। लेकिन यही है कि टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बाइक वालों को फ्री होता है और सभी लोगों को पे करना पड़ता है, क्योंकि आप इतना बढ़िया बढ़िया रोड पाओगे तो उसका टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। टोल टैक्स कोई लरा है। ये देखो जाते वक्त इस साइड में, रिटर्न आते वक्त उस साइड में टोल टैक्स है, और दोनों पास ही में, ज़्यादा दूर पर नहीं है। ये नया बना है टोल टैक्स, टोल टैक्स हाउस, वाराणसी टू प्रयागराज, बनारस से प्रयागराज 60 रुपया टोल टैक्स है, कार जीप वन लेन। अभी जस्ट गोपीगंज ही आने वाला है, और यहाँ पर एक लगा है बोर्ड, देखते हैं यहाँ से प्रयागराज कितना किलोमीटर है। जय वजन 500 मीटर, यहाँ से प्रयागराज 68 किलोमीटर है, कानपुर 276 किलोमीटर और दिल्ली 745 किलोमीटर। ये देखो प्रयागराज 68 किलोमीटर, ओहो यहाँ से रोड थोड़ा सा क्लोज आपको मिलेगा, मुझे लगता है इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हाईवे चालू नहीं है, अभी काम चालू है। गोपीगंज से आगे निकले, गोपीगंज का जो ऊपर का फ्लाईओवर है वो अभी बना नहीं है, जिसके वजह से नीचे से हम लोग आए और जाम में फंसे, करीब आधी घंटा जाम में मान लो फंस जाओगे आराम से अगर आप कार से हो तब, तो थोड़ा सा समय के अभाव से आप जल्दी निकले, क्योंकि यहाँ पर आपको जाम मिलेगी। हम लोग कैसे कैसे बाइक से हैं जल्दी से क्रॉस कर गए, लेकिन अगर कार रहती तो आपका आधे घंटा या 45 मिनट मान लो फिक्स है, आपका नुकसान जाएगा, क्योंकि ऊपर का फ्लाईओवर बना नहीं है अभी गोपीगंज के पास जो है, लेकिन आगे आने के बाद ये देखो फ्लाईओवर बना है, वो भी अच्छा है, तो इधर ठीक है, उधर पता है एक ही वो भी चालू हो जाएगा बहुत जल्दी, हमें लगता है 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। बता दूँ यहाँ पर न्यू टोल गेट बना है,
फाइनली प्रयागराज यहाँ से 40 किलोमीटर है और संगम 38 किलोमीटर रह चुका है और अब यहाँ से हमको कटना पड़ेगा क्योंकि हमको अगर सीधे जाते तो कानपुर वाला रोड हमें मिलेगा, लेकिन हमको प्रयागराज जाना है तो कटना पड़ेगा। क्या आओगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड दिखेगा, प्रयागराज जाने के लिए यहाँ से राइट होना पड़ेगा, कानपुर जाने के लिए सीधे स्ट्रेट आप पकड़ो पहुँच जाओगे। तो प्रयागराज के लिए हम लोग निकल दिए ये हाईवे पकड़कर। अभी इसकी पेंटिंग डेंटिंग चल रही है, अच्छी बात है। बहुत ही नज़दीक है प्रयागराज शहर से और यहाँ से करीब 15 किलोमीटर रह चुका है प्रयागराज शहर, 15 या 16 किलोमीटर रह चुका होगा। और रोड हम बनारस से यहाँ तक आए, रोड नंबर वन मिला, कहीं भी खराबी नहीं मिली और बस यही है कि जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ और काफ़ी अच्छे समय में हम लोग आ गए क्योंकि रोड सही रहता है तो डिस्टेंस को कवर करना काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब 1 बजे हम लोग समझ जाइए कि 1:15 या 20 मिनट पर हम लोग पहुँच जाएंगे प्रयागराज शहर। प्रयागराज में भी सड़कें एकदम मस्त है, मस्त। इधर ट्रैफिक नियम का पालन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बनारस में भी बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। और तो ये है संगम और ये देखो यहीं पे कुंभ मेला लगा था और अभी हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं क्योंकि शहर में एंट्री करनी है हम लोग को। और ये देखो पूरा उधर से ट्रेन जाती है। आप लोग कभी ट्रैवल किए होंगे लखनऊ का या फिर थोड़ा सा ज़्यादा दूरी का तो आप इस पे देखे होंगे। तो प्रयागराज आ चुके हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रयागराज में। देखो प्रयागराज और एंजॉय करो। प्रयागराज शहर में हम लोग एंट्री ले चुके हैं और शहर में तो सड़कें उड़के बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। सिटी राइड करना है, समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो अभी आएंगे समय लेकर तब बनाएंगे सिटी राइड प्रयागराज का। और भी बहुत सारे जगह हैं प्रयागराज में, उसको कवर करना है। तो वाराणसी से प्रयागराज का जर्नी हमारा सफल रहा और अभी हम नीचे से जा रहे हैं। ये हैं अभी हम हैं प्रयागराज में। प्रयागराज शहर में बड़ी शांति है और रोड बहुत बढ़िया है, बहुत खुश हुआ मैं इधर रोड देखकर। वाराणसी से प्रयागराज कैसा लगा आपको बताना है नीचे कमेंट करके और लाइक करके, हौसला बढ़ाओ। और बस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।